हेलो एवरीवन, शाइनी ब्यूटी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरी क्लाइंट इनके बहुत ही लंबे बाल हैं और इनको लंबे ही बाल रखने हैं, उसमें कट चाहिए, तो मैं आज इनको लेयर कट दूंगी और जितनी इन्होंने लेंथ मांगी है उतने में मैं इक्वल कट काट रही हूँ। ये हमारी गाइडलाइन होगी, पूरी कटिंग के लिए यही गाइडलाइन होगी। तो इस तरह से मैंने इक्वल कट काट लिया है और हम दो पार्ट कर लेंगे। ये हमारी गाइडलाइन रहेगी पूरे बालों के लिए, जितनी इन्होंने लेंथ बोली है इसी लेंथ में हमको अच्छे से कटिंग लेयर कर दूंगी। पहले मैं बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगी, अच्छे से बालों में कॉम कर लेना, सुलझा लेना बालों को। अब हम सबसे पहले एक फ्रंट से गाइडलाइन बनाएंगे, पूरी पीछे तक की कटिंग के लिए यहीं से गाइडलाइन बनेगी। तो यहाँ से मैं जो गाइडलाइन बनाऊंगी वो पीछे तक की कटिंग में मुझे मिलानी है। तो यहाँ से मैं चिन से काफ़ी नीचे जो अपनी गाइडलाइन है वो बना रही हूँ और इसी गाइडलाइन को लेते हुए मैं पीछे तक के बालों में कट करते हुए मिलाऊंगी। तो ये हमारी गाइडलाइन बन गई है, दोनों साइड के लिए गाइडलाइन बन गई है। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, एक साइड से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। पतला सेक्शन मैंने लिया है, अच्छे से मैंने कॉम कर लिया है और इस तरह से फिंगर को इस तरह से तिरछा होल्ड किया है और जो आगे से हमारी गाइडलाइन दिख रही है उसमें मैं कटिंग को मिला रही हूँ। पतले पतले हमें बालों के सेक्शन लेने हैं और अच्छे से हमें कॉम करनी है ताकि जो बाल हैं वो अच्छे से हम होल्ड कर सके। नीट क्लीन तरह से हम कॉम करेंगे, अच्छे बालों को फिंगर में होल्ड करेंगे। इस तरह से हमारे फिंगर की ग्रिफ होनी चाहिए तिरछा, बाईं तरफ से इस तरह से फिंगर की जो होल्डिंग रहेगी इस तरह से रहेगी और आगे की जो गाइडलाइन दिखती है उसी में हमें पीछे से बालों को कट करना है और इस तरह से तिरछा कट करना है। बालों को अच्छे से गीला कर लेना ताकि वो जब हम फिंगर में होल्ड करते हैं वो अच्छे से फिंगर में होल्ड हो जाती है। और इस तरह से पतले पतले सेक्शन लेने हैं, बढ़िया सा कॉम करने हैं और फिंगर को इस तरह से तिरछा रखेंगे ताकि हमारी जो आगे की जो गाइडलाइन है और पीछे से हमको कितना लेना है उसमें हम अच्छे से मिलान कर पाएँ। तो इस तरह से हाथों को होल्ड करना है और हमारी कटिंग हो रही है धीरे धीरे, बहुत ही अच्छे से लेयर आ रहे हैं बालों की। और एक और सेक्शन लेंगे, जितनी हमारी बालों की लेंथ होगी उतने में हम बालों को स्लाइड में लंबे लंबे स्लाइड में कट करेंगे। जितनी ज़्यादा लंबी बालों की लेंथ होती है उतने हम जो कटिंग है उसको स्लाइड लंबा रखेंगे ताकि इतनी लंबी लेंथ में हमारी जो कटिंग है वो धीरे धीरे करके पीछे तक की गाइडलाइन में मिल जाए। और एक और सेक्शन लिया है और आगे की गाइडलाइन में इस तरह से तिरछा कट करके मिला रही हूँ। और जिनको लेंथ लंबी रखनी है स्ट्रेट बालों में जो ये लेयर कट है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी तरह से लेयर आ जाते हैं। और जिनके बालों की स्ट्रेट बाल हैं उनकी बालों में तो बहुत ही अच्छी लगती है लेयर कट। तो इस तरह से मैं कॉम कर रही हूँ और एक्स्ट्रा बाल दिख जाते हैं तो उनको मैं कट कर रही हूँ। और एक और सेक्शन लूँगी, इसी तरह से हमको जो कट है वो करनी है, थोड़े थोड़े सेक्शन लेते जाएंगे और जितने हम पीछे पीछे जाते रहेंगे। मैं स्लाइड ले रही हूँ बालों की ज़्यादा क्योंकि हमको पीछे की गाइडलाइन में मिलानी है। तो इस तरह से मैं पीछे से ज़्यादा लंबा स्लाइड ले रही हूँ। और इस तरह से अच्छे से कॉम करते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ, एक्स्ट्रा बाल है मैं इसको कट कर रही हूँ। और ये कितने सुंदर लेयर हैं, स्ट्रेट बालों में तो बहुत ही अच्छी लगती है ये कटिंग, पूरे लेयर अलग अलग दिख जाते हैं। और ये एंड की गाइडलाइन में मिला रही हूँ और ये हमारी इस साइड की कटिंग हो गई है, बहुत ही सुंदर लेयर आ गए हैं बालों में। अब दूसरी साइड की हम कटिंग करेंगे, इसी तरह से जो हमने गाइडलाइन बनाई थी तो उसी गाइडलाइन को लेते हुए मैं कट करूंगी। ये हमारी गाइडलाइन दिख रही है और इस तरह इस साइड को इस तरह से मैंने जो हाथों की होल्डिंग है इस तरह से ऊपर की तरफ तिरछा मैंने हाथों की होल्डिंग को रखी है
और आगे की गाइडलाइन हमको दिख गई है, तो उसी गाइडलाइन में इस तरह से तिरछा कट करते हुए मैं मिला रही हूँ। एक और सेक्शन ले रही हूँ, अच्छे से कॉम कर रही हूँ और आगे की गाइडलाइन हमको दिख जाती है, बस उसी गाइडलाइन को हमको पीछे के बालों को तिरछा कट करते हुए मिलाना है। जितने लंबे बालों की लेंथ होगी, लंबाई होगी पीछे की, उतने हम थोड़े स्लाइड को लंबा रखेंगे। एक और सेक्शन अच्छे से कॉम कर रही हूँ। बालों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से गीला कर लिया है और आगे की गाइडलाइन हमको दिख गई है, तो इस तरह से मैंने बहुत ही तिरछा फिंगर को रखा है, तो इससे हमारी जो लाइन है वो दिख जाती है। और ये मैंने तिरछा कट कर लिया है। इस तरह से बालों को फिंगर से होल्ड करोगे तो हमारी जो गाइडलाइन है आगे की दिखती है, उसी में हमको कटिंग को मिलाते जाना है। एक और सेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से हम कॉम कर रहे हैं और इस तरह से बालों के अंदर हम अपनी फिंगर को फंसा रहे हैं और इस तरह से तिरछा हाथों को रख रहे हैं और आगे की गाइडलाइन दिखती रहती है, उसी में हम कटिंग को मिलाते जा रहे हैं। और एक और सेक्शन, थोड़े थोड़े सेक्शन लेते हुए हम जो लेयर कट है वो कट कर रहे हैं। आगे की गाइडलाइन हमको दिख रही है, इस तरह से हम तिरछा हाथों को रख रहे हैं और आगे की गाइडलाइन में हम पीछे के बालों को मिलाते जा रहे हैं। और स्ट्रेट बालों में जो लेयर कट है वो बहुत अच्छी लगती है। इस लेयर कट में कितने भी लंबे आप बालों की लेंथ रख सकते हो, उसमें ये कटिंग हो जाती है। और एंड का मेरा सेक्शन ये हो गया है। एंड की जो गाइडलाइन थी उसमें मैंने मिला लिया है और इसी तरह से फ्रंट की गाइडलाइन और पीछे की एंड वाली गाइडलाइन तो मिल गई हैं, तो और इस तरह से हमारे आगे से लेके पीछे तक बहुत ही अच्छे से लेयर आ गए हैं बालों में। और इसमें मैंने चेक कर लिया है, दोनों साइड के बालों को चेक कर लिया है। अब मैं पीछे से भी चेक करूंगी अच्छे से। मैं पीछे से पहले बालों में कॉम कर रही हूं क्योंकि एक्स्ट्रा कोई बाल रह जाते हैं तो मैं उनको कट कर लूंगी। और इस तरह से मैं कट कर लिया है, बहुत ही अच्छी सी हमारी कटिंग लग रही है। और जितनी इनको लेंथ चाहिए उतनी लेंथ हमने रखी है बालों की, उसी में बहुत अच्छे से लेयर आ गए हैं। अब हम फ्रंट से इनको थोड़ा छोटा चाहिए तो चिन को लेते हुए मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने फ्रंट के बालों को थोड़ा छोटा कर लिया है और इनकी फेस पे कट बहुत ही सुंदर लग रही है। जैसे हमारे दोनों साइड की कटिंग हो गई है, बहुत अच्छे से लेयर आ गए हैं और जितनी इनको लेंथ चाहिए थी लंबे बालों में हमने कट दी है इनको। इसके बाद मैं ड्रायर करूंगी, ड्रायर के बाद बालों की सेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से लेयर बहुत ही अच्छी तरह से लेयर बालों में आए हैं। आज हमने लॉन्ग हेयर में लेयर कट दी है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिए और भी मेरे बहुत सारी कटिंग की वीडियो है आप वॉच कीजिए। नए नए वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी।